नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुणाल दैनियल प्लैनेट। और भाई ये हाथ में है पर्चा कि कबूतरों को सर्दी में स्वस्थ कैसे रखना है। एक एक चीज़ है, अगर ये कर लिया ना तो एक भी कबूतर ज़ाया नहीं होगा पूरी सर्दी में। लिख के देता हूँ, इसी पर्चे पे लिख के गारंटी दे दूंगा भाई। तो क्या चीज़ है जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखकर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुणाल दैनियल प्लैनेट। जैसे आपको शुरुआत में बताया था कि इस पर्चे के अंदर आपको सारी डिटेल मिलने वाली है। एक्चुअली मेरा सीन क्या था, सबसे पहले तो सॉरी आज की वीडियो लेट है, नहीं तो संडे सुबह 7 बजे वीडियो आती है। मैं दिल्ली से बाहर था तो मैंने सोचा था पहले आपको ये पूरा करके दिखाएंगे एक चीज़, पर टाइम नहीं मिला तो मैंने ये पर्चा ही बना लिया। तो दूसरों को फीड करा रहे हैं और साथ साथ में आपको दिखाते हैं कि क्या सीन है। तो भाई क्या सीन था कि मैं दिल्ली से बाहर था, नहीं तो मैंने आपको एक एक चीज़ें करके दिखानी थी। खैर फिलहाल कबूतर अपना सुपर ब्रीडिंग का दाना खाने आ चुके हैं। तो मेन जो चीज़ थी मुद्दे की, वो इस पर्चे के अंदर है भाई। ये देख लो आप, ये पर्चा, इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो अभी मैं कबूतर दाना खा रहे हैं तो मैं साथ में बैठ के आपको समझा देता हूँ क्या सीन है। तो भाई जो हमें कबूतरबाजी के अंदर देखना है भाई, उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। जैसे कि फीड के अंदर जो है आपने अपना सुपर ब्रीडिंग का फीड यूज़ करना है। देख ही सकते हैं कितने चाव से खा रहे कबूतर सारे। तो फीड में हमें सुपर ब्रीडिंग का फीड यूज़ करना है, या फिर मेंटेनेंस वाला भी कर सकते हैं। ब्रीडिंग पेयर्स है तो उनके लिए सुपर ब्रीडिंग यूज़ होगा, मेंटेनेंस वाले कबूतर हैं तो उनके लिए मेंटेनेंस वाला। मेंटेनेंस यानी नर्मदा आपने अलग अलग कर रखे हैं तो उनको मेंटेनेंस का दाना भी आप डाल सकते हैं। तो भाई ऊपर दिन लिखे हुए हैं इसमें, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो ग्रिट हर दिन डलेगी लिखा हुआ है इस शेड्यूल के अंदर। और वीटा जो है वो मंडे को डलेगा, उसके बाद थर्सडे को डलेगा। वीक में 2 बार ही देना वीटा और ऑलिव ऑयल। 1 किलो दाने के अंदर 2 चम्मच वीटा डलेगा और 1 चम्मच डलेगा ऑलिव ऑयल। और भाई ऐसा नहीं है कि सर्दियों में कबूतरों को नहलाना नहीं है। तो आप देख सकते हो कि हर संडे का एक दिन का बाथ का शेड्यूल इनका रखा हुआ है। तो एवरी संडे इनको बाथ देनी है भाई, बाकी पूरे हफ्ते में एक बार ही बाथ सफिशियंट है बाथ सॉल्ट से। हर्बोलिन जो है जिस दिन वीटा देना है उस दिन हर्बोलिन भी देना है, तो वो इनका पोटा हेल्दी रखता है। और उसके बाद में बियंको जो है वो डेली लॉफ्ट में छिड़का हुआ होना चाहिए भाई, जिससे कि सर्दी में बैक्टीरिया वगैरह पनपे ना, मॉइस्चर की प्रॉब्लम ना आए आपके लॉफ्ट में। तो बियंको फ्लोर वाइट जो है डेली आपके लॉफ्ट के अंदर होना चाहिए। इको क्योर जो है, फ्राइडे को कोई और सप्लीमेंट नहीं था तो इसलिए इको क्योर यूज़ कर रहे हैं। ये पोटे की हेल्थ के लिए तो आपका हो गया हर्बोलिन। ये जो है आपके कबूतरों की इंटेस्टाइन की हेल्थ के लिए होता है, हरी बीट वगैरह ग्रीन ड्रॉपिंग वगैरह कुछ भी कबूतर करे, हफ्ते में एक बार ही आप 1 लीटर पानी में एक ढक्कन इको क्योर इनको देते रहें। और कोलम्बाइन टी, जिस दिन हम कबूतरों को नहलाएंगे तो उस दिन हम उसी बहाने चाय का काढ़ा भी शाम के टाइम इन्हें पिला देंगे कि कोई ठंड वगैरह लगने का स्कोप ना हो। प्लस वैसे भी चाय से कबूतर बहुत चुस्त रहते हैं, उसका कारण यही है कि जो चाय है वो रेगुलरली यूज़ होती रहती है। फिर हर 15 दिन में भाई एक बार ही इनके अंदर कोई अगर बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह हो रही हो तो उसके लिए आप नेचुरली एंटीबायोटिक जो है एप्पल विनेगर वो दे सकते हैं। और फ्रेश वाटर 2 टाइम्स डेली, और दिन में 2 बारी पानी बदलें कबूतरों का और रात में हटा दें, बाकी पूरा दिन पानी पड़ा रहने दें। क्योंकि क्या होता है कि रात को पानी पड़ा रहता है तो सुबह कबूतर एकदम निकलता है और चिल्ड पानी पी लेता है रात का पड़ा हुआ, और उससे ख़राब हो जाता है। और कीप योर लॉफ्ट क्लीन डेली, अपने दड़बे हमेशा भाई साफ रखें। पर्चा आप देख लें फिर से भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपना दड़बा हमेशा साफ रखें। क्योंकि भाई चक्कर क्या होता है कि अगर दड़बा साफ नहीं हुआ तो बीमारी की जड़ आ जाती है उसके अंदर से ही। ठीक है भाई, ये आपका शेड्यूल था, ज़्यादा लंबा टाइम आपका लेंगे नहीं, छोटी सी ये वीडियो थी। अब बच्चों का एक बार शौक कराते हैं, ख़त्म करते हैं। बच्चे भाई जैसे आपको हमेशा से दिखाता हूँ, मेरे बराबर ही पलते हैं सारे 2 बच्चे ये रहे। और ये देखो कितने शानदार बच्चे बने हुए हैं भाई, और एकदम फ्रेश और तगड़े। ये भी दोनों बराबर के बच्चे हैं। ये सारा कुछ भाई इसी सप्लीमेंट वगैरह इन्हीं सब चीज़ों से ही है, इसने इसके पेरेंट्स ने अंडे भी रख दिए। 2 बच्चे ये देखो भाई क्या बने हुए हैं, एक ये सिंगल ही है भाई, और 2 बच्चे ये भी एकदम बराबर के हैं। ये भी छोटे हैं, ये भी बराबर चल रहे हैं। इधर 3 बैठे हुए हैं, नीचे से उड़ के भी बैठ गया बच्चा मुझे लग रहा है। 2 बच्चे भाई ये बैठे हुए हैं, और एक बच्चा ये सिंगल है ये यहाँ बैठा हुआ है, एक बच्चा सिंगल इधर बैठा है, 2 नीचे हैं 2 ऊपर हैं 2 ये रहे 2 बच्चे ये बैठे हैं। तो भाई बच्चों बच्चों में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये भी गारंटी है साथ में सुपर ब्रीडिंग के दाने के साथ में।
एकदम फ्रेश बच्चे बनते हैं, कबूतर भी एकदम दिल से दाना खाते हैं। तो भाई ये सप्लीमेंट्स आप यूज़ कर सकते हो, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे ऑर्डर कर सकते हो, सारा कुछ मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं।